हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। सो बेसिकली हमने पॉइंट्स ग्रुप्स को डिस्कस किया था। पहले चार पॉइंट ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं, C1 या CN हम कह सकते हैं उसे, नेक्स्ट CI एंड CS एंड CNV पॉइंट ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करेंगे CNH, TNH, DND, DN एंड ऑल अदर जो भी बेसिक पॉइंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CNH पॉइंट ग्रुप से। एक ऐसा पॉइंट ग्रुप जिसमें मॉलिक्यूल के पास एक टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होगा, यानी कि ये जो पॉइंट ग्रुप है इसका H डिनोट करता है कि उसके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होगा और C डिनोट करता है कि उसके पास एक टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, दूसरी कोई टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं, वो 2N है और उसे हम ऑपरेशंस को खोल के लिखेंगे CNH। वो ऐसे होंगे CN प्लस सिग्मा ऑफ H प्लस आइडेंटिटी हर एक में होता है, हर एक एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है। सो इसके लिए नंबर ऑफ पॉइंट ऑपरेशंस क्या हो गए, CN के लिए N-1 और सिग्मा H के लिए एक ऑपरेशन होगा, आइडेंटिटी के लिए एक, तो N+1। यानी कि हमें ये नोट आउट होता है कि जो पॉइंट ग्रुप है, ये जो पॉइंट ग्रुप है मेनली ये CNH पॉइंट ग्रुप, ये कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसके जो पॉइंट ग्रुप ऑपरेशंस, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है 2N आने चाहिए थे लेकिन N+1 आए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है हिट एंड ट्रायल के थ्रू ट्राई करने पड़ेंगे। जैसे कि CNH पॉइंट ग्रुप में हम ट्राई कर सकते हैं CN, CN/2, CN/N/4 एंड सो ऑन, जो भी हो। जैसे हम एग्जांपल लेके चले N=2 के लिए, C2H के लिए जो पॉइंट ग्रुप, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड जो सिमेट्री एक्सिस है, सिमेट्री जो भी डिफाइन होगी वो क्या होगी, C2 यानी कि CN=C2 एंड सिग्मा H, क्योंकि H के लिए सिग्मा H एग्जिस्ट करेगा, प्लस आइडेंटिटी, प्लस इसमें क्या ऐड अप करें कि इसके पूरे चार पॉइंट ग्रुप हो जाएं, ठीक है। ये तीन होते हैं, तो एक के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑपरेशन के लिए हम आइडेंटिटी को इन्वर्जन को ऐड अप कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन होगा कि नहीं। तो जो हम यहाँ से ट्राई करेंगे CNH यानी कि SN को, यहाँ पे N की वैल्यू क्या है 2, यानी कि S2 को या S1 को ट्राई कर सकते हैं। तो S1 में तो कुछ बेसिकली होता ही नहीं है, S1 नाम की कोई चीज़ नहीं होती, S2 हम ट्राई करेंगे। S2 का मतलब बेसिकली होता क्या है, S2 वो इन्वर्जन सेंटर के बराबर होता है। किसी मॉलिक्यूल में अगर S2 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है तो वो इन्वर्जन सेंटर के इक्वल आती है। तो यहाँ पे हम S2 ऑपरेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए सिंगल ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमारे ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए हमने जो सिमेट्री एक्सिस डाला है, जिस कोई भी सिमेट्री डाली है वो S2 है यानी कि SN टाइप की है। तो यहाँ पे हम चूज़ करके देखते हैं C2H के लिए C2 प्लस सिग्मा H प्लस आइडेंटिटी प्लस S2 यानी कि SN टाइप का। चौथे ऑपरेशन कंप्लीट हमारे हो रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इसके एग्जांपल्स ये हैं C2H2Cl जो ट्रांस टाइप का है, उसमें हमारी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो एग्जिस्ट करेगी, साथ में ये, जैसे इसको यहाँ से रोटेट करेंगे थ्रू दिस, तो ये H है, ये 180 डिग्री रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, ये Cl है वो यहाँ चला जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा। और इसमें इन्वर्जन सेंटर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इस पूरे मॉलिक्यूल का मिडल पॉइंट सिलेक्ट करें यहाँ से, तो इस साइड चलेंगे तो H, सेम दूसरी साइड H, इस साइड Cl, इस साइड Cl, तो I हमारा एग्जिस्ट करता है, इन्वर्जन सेंटर हमारा एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस मॉलिक्यूल में S2 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, जैसे कि पहले भी डिफाइन हो चुका है, जो S2 है वो I के बराबर होता है, यानी कि इम्प्रॉपर एक्सिस है वो इन्वर्जन सेंटर के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे ये डिफरेंट टाइप का पॉइंट ग्रुप है, इस साइड मेंजिन रिंग CH CS2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ से ये मेंजिन रिंग कनेक्ट है। तो जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है इसका पॉइंट यहाँ है बिल्कुल, यहाँ से हम C2 रोटेशन दें C2 के थ्रू, तो यहाँ से ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये इस साइड वाला पार्ट रोटेट करके इस साइड आ जाएगा और ये वाला पार्ट इस साइड रोटेट कर जाएगा। यहाँ से हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो लगा सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें इन्वर्जन सेंटर देखना चाहें तो मिड पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, इसका मिड पॉइंट यही है, डबल पॉइंट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डबल पॉइंट का कोई लेना देना ही नहीं सिमेट्री से। सो यहाँ से इस साइड एक एटम है, यहाँ से इस साइड एटम है CH CH, इस साइड चलेंगे तो उसका उल्टा CH2 CH2 है, उसके बाद बेंजीन रिंग है, उसके बाद बेंजीन रिंग है,
तो इसमें जो है इन्वर्जन सेंटर हमारा एग्जिस्ट करता है, यानी कि एस टू इस मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट करती है। तो इसका हमारा पॉइंट ग्रुप बेसिकली सी एन एच यानी कि सी टू एच टाइप का है, क्योंकि सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगी है और सिग्मा एच हमारा इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। बिकॉज ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो हम इसको थ्रू ऑल द एटम्स जो प्लेन पास होगा उसे हम कट कर सकते हैं, ठीक है। सारे जो एटम्स हैं वो आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, उसे उन्हें अपनी मिरर इमेज वो दिखाई देगी। तो मतलब सिग्मा एच इस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, सी एन प्लस सिग्मा एच प्लस आइडेंटिटी ऑपरेशन। और अगर ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, वैसे तो जो एन एच टाइप के ग्रुप होते हैं उसमें सिमेट्री ऑपरेशन है वो पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम जो ट्राई करेंगे वो ये होंगे सी एन, सी एन बाई टू, सी एन बाई फोर एंड सो ऑन, जो भी हम ट्राई करना चाहें। तो बेसिकली यहाँ से सी टू ही एस टू ही निकल के आता है सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, सो हम ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सी एन एच के लिए जो डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि एन एच इक्वल्स टू टू के लिए हम ऑपरेशन और एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको ये शेप दिखाई दे रही है एस टाइप की है, तो इसमें यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम है, इसकी शेप बेसिकली ऐसी है। तो इसमें कोई भी सिंबल आपको मिल सकता है इसे देखने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल हो उसकी शेप आपको मिले। तो इसमें बताइए किस टाइप की सिमेट्री है। इसमें हम यहाँ से यानी कि जेड एक्सिस जो सी टू एक्सिस पास करेंगे 180 डिग्री के थ्रू रोटेट करेंगे, तो ये है हमारा 180 डिग्री पे रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगी वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगी, यानी कि सी टू एक्सिस है वो हमारी मान्य होगी, मतलब पास होगी वो यहाँ से। एक ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो इसके लिए सारे एटम से पास होने वाला प्लेन भी हमें मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इसको ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया एस एन टाइप के, एस एन बाई टू टाइप के, एस एन बाई फोर टाइप के ग्रुप्स हमें सिमेट्री एक्सिस हमें लगाने होते हैं। तो इसमें हम एस टू लेते हैं बेसिकली, अगर सी टू होता है तो, यानी कि सी एन होता है तो एस एन टाइप का मॉलिक्यूल लेते हैं, उसकी एक्सिस ऑफ इनप्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेकआउट करते हैं, यानी कि उसके लिए इन्वर्जन सेंटर हम चेकआउट करते हैं। यहाँ से इन्वर्जन सेंटर हम चेक करेंगे तो इस साइड सेम मॉलिक्यूल, उसके अपोजिट साइड भी सेम मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे हमारा सी एन एच यानी कि सी टू एच टाइप का जो पॉइंट ग्रुप है वो अवेलेबल है, ये उसके ऊपर उसको रिप्रेजेंट करेगा, हम सी टू एच से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इस मॉलिक्यूल की या इसके लिए हम ये सिंबल भी कर सकते हैं, कोई सिंबल हो यहाँ से इन्वर्जन सेंटर देखना हो, यहाँ से सेम ग्रुप, यहाँ से सेम ग्रुप, सेम टू सेम ऐसा है। इसके ऊपर यहाँ से जेड एक्सिस के अलोंग इसको सी टू के अलोंग रोटेट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है या फिर मॉलिक्यूल है, एटम है, ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा और ये रोटेट होके वहाँ चला जाएगा, यानी कि सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी होती है। प्लस ये प्लेनर है तो इसके लिए सारे मॉलिक्यूल्स को हाफ हाफ कट करने वाला प्लेन, उसकी मिरर इमेज बताने वाला प्लेन भी हमारा होगा। प्लस इसके ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं होंगे तो इसलिए हम एस टू डिफाइन करेंगे, यानी कि इन्वर्जन सेंटर डिफाइन करेंगे, तो इन्वर्जन सेंटर हम इजीली चेकआउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, एटम के लिए, ग्रुप के लिए। सो हमारा जो बेसिकली पॉइंट ग्रुप होगा वो सी टू एच टाइप का होगा। नेक्स्ट हमारा ये जो ट्रांस एच टू ओ टू की स्ट्रक्चर है ये भी बहुत कॉमन है सी टू एच पॉइंट ग्रुप के लिए। सेम टू सेम सी टू जो सिमेट्री होती है उसमें बेसिकली जेड एक्सिस के अलोंग सी टू रोटेशन हमें देनी होती है। यहाँ से हम सी टू रोटेशन देंगे जेड एक्सिस के अलोंग तो हमारा मॉलिक्यूल ये जो ऊपर वाला एच है ये रोटेट करके यहाँ आ जाएगा और ये रोटेट करके यहाँ ओ है वो डायरेक्टली ऐसे ही रहेंगे। अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, घर पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए जिससे कि ये सिमेट्री आप डिफाइन कर सको, या मार्केट से भी बहुत कुछ मिलता है इसके लिए बॉल्स वगैरह, आप उनको ट्राई कर सकते हो अपनी सिमेट्री को सुधार।